हेलो दोस्तों, ग्रेट एको वॉइस ओवर में आपका हार्दिक स्वागत है। सेल्स में कैसे पाए सफलता, mynicelion.com की ये एक शॉर्ट स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ बनने के लिए उस योग्य होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि काम का तजुर्बा अपनी जगह है और टैलेंट अपनी जगह होता है। किसी भी क्षेत्र की सफलता व निष्फलता उसकी योग्यता को तब तक प्रमाणित नहीं करता जब तक वो स्वयं को साबित नहीं कर देता। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। मैं कुमार अभिषेक, सुनते रहे, धन्यवाद। ट्रेन से मुंबई जा रहे उत्सव को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि उसके बगल वाली बर्थ पर यात्रा कर रहा व्यक्ति किसी सेल्स कंपनी में मैनेजर है, वो फौरन उससे मेल झोल बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। वो कभी मूंगफली का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाता है तो कभी उसे चाय के लिए आमंत्रित कर रहा है, परंतु मैनेजर उसे जरा भी भाव देने को तैयार नहीं है। करीब एक घंटे का सफर बीत चुका है, तभी अचानक फोन पर बात कर रहे सेल्स मैनेजर का फोन हाथों से नीचे छलक जाता है। इस स्वर्णिम मौके को न गवाते हुए उत्सव उसकी मोबाइल को झट से लपक लेता है। इस प्रकार दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातों बातों में उत्सव अपने मन की बात मैनेजर से कह देता है। उसकी बातों को सुनकर मैनेजर कुछ ऐसे मुस्कुराता है मानो वह उत्सव की मंशा को पहले से ही समझ चुका था और इसमें अचरज की कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर एक 20-22 साल का दिखने वाला युवक एक 60 साल के बूढ़े में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। वह उत्सव से उसके सेल्स के बारे में जानकारी व एक्सपीरियंस के बारे में पूछता, तब उत्सव बताता है कि उसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और जॉब की तलाश कर रहा है, उसे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। तब मैनेजर उसे बताता है कि उसकी कंपनी में फ्रेशर के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु यदि वह उसे कुछ बेच कर दिखा दे तो वह उसके जॉब के बारे में एक बार सोच सकता है। उत्सव मन ही मन मैनेजर की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी ही देर में अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है तब पकोड़े और समोसे बेचने वाला एक शख्स डिब्बे में प्रवेश करता है। उत्सव पकोड़े वाले से खूब सारे पकोड़े और समोसे लेकर उसे मैनेजर की तरफ बढ़ाता है, किंतु मैनेजर उसे इन सब के लिए मना कर रहा है। परंतु उत्सव के बार बार जोर देने पर वह तीखी व चटपटी चटनी के साथ मजेदार समोसे और पकोड़े का आनंद लेने लगता है। थोड़ी ही देर में जब मैनेजर अपने मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीने के लिए बोतल मुंह में लगाता है, तब बड़ी ही फुर्ती के साथ उत्सव उसकी बोतल चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। यह देख मैनेजर चौंक जाता है और उससे कहता है, तुमने यह क्या किया? मैंने शायद कुछ तीखा खा लिया है और मुझे प्यास भी बड़े जोर की लगी। अब बताओ मैं पानी कैसे पीऊंगा? चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास पानी की एक और बोतल है, आप उसे ले सकते हैं, उत्सव मुस्कुराते हुए कहता है। मैनेजर हड़बड़ी में, हाँ दो, जल्दी दो। उत्सव अपने बैग से पानी की एक नई बोतल निकालता है, परंतु जैसे ही मैनेजर बोतल को लेने की कोशिश करता है उत्सव अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिसे देख मैनेजर एक बार फिर चौंक जाता है। सर, इसके 20 रुपए लगेंगे, उत्सव मैनेजर से कहता है। उत्सव की इस बात से मैनेजर मुस्कुरा उठता है और अपने पर्स से 20 रुपये का नोट निकाल कर उसे दे देता है। इस प्रकार ट्रेन में बैठे बैठे उत्सव ने 20 रुपए की सेल कर ली, और बस इतना ही नहीं, उसने इस सेल के साथ ही अपनी जॉब भी पक्की कर ली। दोस्तों, सेल्स में सफलता के लिए आपको ज़रूरत पैदा करनी होगी, आपको लोगों की ज़रूरत बननी होगी, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग खुद आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाए, तभी आप सेल्स के मास्टर बन पाएंगे।